पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर आ गया है। मंगलवार देर शाम से ही कलेक्टर ने गैस एजेंसी के गोदामों की जांच कर शहर और रहवासी क्षेत्रों से दूर गोदाम बनाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बुधवार को रतलाम शहर में पटाखा गोदाम तथा गैस एजेंसी गोदाम का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा, एएसपी राकेश खाका, एसडीएम संजीव केशव पांडे सहित प्रशासनिक अमला भी साथ में था। इस दौरान कलेक्टर ने सुरक्षा मानकों के आधार पर निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश शहर एसडीएम तथा संचालकों को दिए। कलेक्टर ने शहर के गैस और पटाखे गोदामों का मौका मुआयना कर सुरक्षा के इंतजाम की पड़ताल की और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया, अभी मैंने और एसपी रतलाम हम दोनों ने संयुक्त निरीक्षण किया है और जो भी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड भंडारण के जो अनुज्ञप्तियाँ हैं, लाइसेंसेस हैं, उन स्टोरेजेस का भी निरीक्षण किया है। इसके अलावा ध्यान इस चीज़ पर भी हम लोगों ने दिया है कि जो गैस के गोदाम हैं, गैस एजेंसीज के जो गोदाम हैं, वो अपने यहाँ पर शहर में लगभग 7 गोदाम हैं और उनका भी निरीक्षण किया है। उसमें से कुछ गोदाम ऐसे पाए गए हैं जिनको आबादी क्षेत्र से बाहर ले जाने की आवश्यकता अब हो गई है। पूर्व में जब इनको परमिशंस दिए गए होंगे तब ये शहर से बाहर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो रिहायशी इलाके में आ गए तो उनको भी टाइम लिमिट के भीतर उनको किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। सर, शहर में पटाखे भी की दुकानें भी हैं? जहाँ पर भी इस प्रकार का अवैध भंडारण जो कि घातक स्तर का हो जाए, उसके लिए निरंतर कार्यवाही चलती रहेगी। सर, देखने में अवैध भंडारण का अभी फिलहाल कोई प्रकरण नहीं आया, लेकिन चूंकि ये एक निरंतर की एक्सरसाइज है, भविष्य में यदि कोई जानकारी इस प्रकार की मिलती है तो आगामी में कार्रवाई करें। रहवासी क्षेत्रों में नियम कानून को ताक में रख कर लगाए गए मोबाइल टावर रहवासियों के लिए संकट खड़ा कर रहा है, जो मानव स्वास्थ्य और वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है। सुभाष नगर स्थित हार्ट रोड पर लगाए गए मोबाइल टावर को लेकर आक्रोशित रहवासी आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए हैं। इस क्षेत्र के एक मकान की छत पर लगे 3 मोबाइल टावर को लेकर रहवासियों ने आपत्ति जताई और चक्का जाम कर दिया। रहवासियों ने टावर हटवाने और दूसरे नए टावर नहीं लगाने की चेतावनी देते हुए प्रदर्शन किया। चक्का जाम देखकर हार्ट रोड पुलिस चौकी से मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, आपका? मेरा संगीता पहाड़िया। क्या समस्या आ रही है आपको क्षेत्र में? तो कुछ नहीं है, सब बोल रहे हैं इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है जी। फिर हमने इनसे पूछा दोनों से कि ये क्या हो रहा है, तो बोले कुछ नहीं, छोटा सा होद हो रहा है जी। तो हमने बोला चलो कुछ नहीं। फिर दूसरे से बोला, मेरा मिस्टर यहाँ काम करता है, उनसे बोला कि हमारा वहाँ होद बन रहा, तो हमने फिर भी जान दिया। फिर हमने खुद उनके घर से, वो अशोक भाई जो रहते हैं, उनसे पूछा कि क्या हो रहा, तो बोले कि छोटा सा यहाँ पे बेन तर को मालूम नहीं कोना खोद रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, पत्रा लगा रहे हम, तीसरी बना रहे हम, मतलब सबसे ऐसा ही झूठ बोला। और इसकी परेशानी मतलब सांस लेने में, रात को हमने है ना धुआं निकलते भी देखा इसमें। कुल कितने टावर है इस क्षेत्र में? इस ये 4 टावर, 4 टावर है यहाँ पे कुल इस क्षेत्र में, इसी लाइन में 4 टावर, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, टावर की वजह से क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही ना सर, और सांस लेने में दिक्कत आ रही, धुआं छूट रहा है उसका, और क्या सांस ले रहा है, बीमारी तो हो रही ना सर। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत हमने कलेक्टर ऑफिस में भी की इसकी, फिर उसके बाद हमने जन सुनवाई में भी की, फिर हम मतलब ऐसे करके बहुत जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, क्या होता है अभी तक कोई अधिकारी? क्या बोले वहाँ से, क्या होता है इससे, तो क्या होता है, यही करोगे मर जाएंगे जब देखोगे क्या, और नहीं तो हमको आप सब मिलके जेल दे दो, हम सब सो जाएंगे एक ही साथ। किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई हुई नहीं हमारे कुछ भी। अच्छा, एक टावर रोल लगा है, अभी इसको कितने दिन हुआ? 15 दिन या 20 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं हुआ इसको। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप हम निकलना चाहते हैं, जितने भी टावर हमारे मोहल्ले में से निकलना चाहिए, टावर की बात नहीं। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की प्रमुख लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। पेंशनर्स ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर मांगों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर को सौंप कर मांग की है कि पेंशनर्स को केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि स्वीकृत की जाए, साथ ही अरियर राशि सहित बकाया भुगतान किया जाए और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। प्रमुख एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश व्यास ने बताया,
मैं पेंशन एसोसिएशन प्रमुख पेंशन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ रतलाम जिले का। मेरा नाम राजेश व्यास है। क्या समस्या ने क्या आई थी क्या ये हमारे प्रांतीय निकाय समिति की अभी विगत दिनों इंदौर में एक महासमिति की बैठक हुई थी, प्रांताध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें श्याम जोशी जी को हमारा अध्यक्ष चुना गया है। और उसके बाद सभी जिलों में हमारे सब संघ सक्रिय हो गए हैं और प्रमुख हमारी ज्वलंत मांगे हैं कि 46 धारा 6 जो समाप्त करना है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में अड़चन पैदा कर रही है, क्यों पूर्व शासन जो था शिवराज सिंह जी का और मध्य प्रदेश का, जब उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए वो क्या कि सहमति नहीं बना रही है और ये 49 धारा 6 समाप्त करने में अड़चन पैदा हो रही। अब जब जबकि दोनों प्रदेशों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन है, तो अब क्या उनके पास अड़चन की ऐसी समस्या है जो कि 49 धारा 6 को नहीं समाप्त कर, इसकी वजह से हमको समय पर डीए नहीं मिल पाता है और भी कई अन्य वित्तीय लाभ है जो कर्मचारी और पेंशनर्स को नहीं मिल पाते हैं। और प्रमुख मांग हमारी 49 की धारा को समाप्त कर दी जाए तो केंद्र के समान जब वो डीए बढ़ाती है तो हमारा भी डीए समय से बढ़ता रहे। तो दूसरा हमारा कि विगत 32 और 27 माह का जो एरिया लंबित पड़ा हुआ है और न्यायालय द्वारा निर्णित भी हो चुका है, उसके बावजूद भी शासन हमको वो एरियर का भुगतान नहीं कर रही है। 4% और 4% डीए जो केंद्र ने जुलाई से घोषित किया है उसको भी हमें जुलाई उसी तारीख से घोषित कर और हमें महंगाई भत्ता दिया जावे और उसका एरियर भी दिया जावे, ये प्रमुख मांगे। और चिकित्सा के संबंध में भी हमारे बुजुर्ग पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्य कई कर्मचारी अन्य प्रदेशों में उनको चिकित्सा भत्ता के समय आयुष्मान कार्ड वगैरह की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने हमें नहीं दी है, ताकि हमें काफ़ी स्वास्थ्य के संबंध में धक्के खाना पड़ रहे हैं। तो कृपया इन हमारे बुजुर्गों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इन लंबित मांगों को अतिशीघ्र पूरा करें। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट, 70 हज़ार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टेक्ट नंबर 07412356268 6263791851। खिलाड़ियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में नवयुवकों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई स्पोर्ट्स की दुकानों, जिम व अन्य संस्थाओं द्वारा उनका माइंड वॉश कर प्रोटीन के नाम पर बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के अनेक तरह के हानिकारक सप्लीमेंट व शक्तिवर्धक दवा का सेवन करवाया जा रहा है, जिससे नवयुवकों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। अनेक बार इनके कारण युवक आकस्मिक मौत का शिकार भी हो रहे हैं। इन सप्लीमेंट व दवाओं के विक्रेता बिना किसी विशेषज्ञता के इनका विक्रय कर मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं। अभिभाषक राकेश शर्मा ने कलेक्टर भास्कर लक्षकार को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में ऐसे विक्रेताओं और ऐसी दवाओं का सेवन करने के लिए प्रेरित करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कर सप्लीमेंट के विक्रय को प्रतिबंधित करने के लिए निवेदन किया गया। एडवोकेट राकेश शर्मा ने बताया, रतलाम जिले में जो नवयुवकों को शरीर बनाने के नाम पर, खिलाड़ियों को उनके खेल में अच्छे रिजल्ट दिलाने के नाम पर जो स्टेरॉइड वाले सप्लीमेंट
वह शक्तिवर्धक जो दवाएं और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जो कि नाडा द्वारा भी प्रतिबंधित है, जो नाडा खेल की भारत सरकार की खेल की वह संस्था जो कि प्रतिबंधित दवाओं का खिलाड़ियों से जो सेवन करते हैं उनकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ऐसी दवाओं को भी दिया जा रहा है जिससे कि वह क्षणिक लाभ प्राप्त कर सके, जिससे उनके लेकिन उससे शरीर पर दुष्प्रभाव लगातार पड़ रहे हैं। इस दुष्प्रभाव के कारण खिलाड़ी का शरीर नष्ट होने लगता है, खिलाड़ी का शरीर में कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के ये आकस्मिक मौत का कारण भी बनते हैं। और इसी कारण आज की तारीख में देखा जाए कि जिम में वर्कआउट करते समय, ग्राउंड पे वर्कआउट करते समय मृत्यु हो जाना, ये बहुत सारे ऐसे स्टेराइड के सप्लीमेंट के कारण हैं। और ये जो बेच रहे हैं, ना इनके पास कोई इसकी विशेषज्ञता हासिल है, नहीं ये किसी प्रकार की कोई चिकित्सीय योग्यता रखते हैं। जबकि कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी दवाएं जब ली जाती है तो किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशन की सलाह पर ली जाती है। डाइटिशियन न्यूट्रिशन उसकी पूरी शारीरिक जांच, जो भारी जांच एवं उसके लिक्विड प्रोफाइल, जिसके अंदर उसको पता चलता है कि इसमें प्रोटीन की कमी है, इसमें कैल्शियम की कमी है, या किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है, किसी में विटामिन डी की कमी है, किसी में विटामिन ई की कमी है, विटामिन सी की कमी है, जो भी डेफिशिएंसी आती है उसके आधार पर उसको फिर वो सप्लीमेंट या कोई दवाएं सजेस्ट करते हैं, जो कि वो बाकायदा डिग्री होल्डर होते हैं जिन्होंने इस बारे में विशेष पढ़ाई की होती है, जिसके आधार पर वो पूरी जांच निकालने के पश्चात उस खिलाड़ी को ऐसी चीज़ें लेने के लिए बताते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट ही दिया जाए, सप्लीमेंट भी नेचुरल सप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन स्टेराइड के जो सप्लीमेंट जिम पर चले जाओ, जिम पे जैसे कि बच्चा जाता है उसको पहले दिन सलाह दे दी जाती है कि आप दो चम्मच ये घोल के पानी में ले लो और आप वर्कआउट करो, आप एकदम आपका शरीर बिल्कुल बाहुबली जैसा दिखने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें गलत है और ये गलत तरीके से इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है खिलाड़ी का, जो बच्चे का, कि वो इसको लेने के लिए प्रेरित हो ही जाता है। उसके बाद उसके दुष्परिणाम उसके शरीर पर प्रभावी होने लगते हैं और उसका भविष्य नर्क में चला जाता है, जिसके खिलाफ मैंने आज जिलाधीश महोदय को एक नोटिस दिया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसी दवाओं को प्रतिबंधित किया जाए, और जो भी यदि इन दवाओं को बेचता है उनको प्रॉपर डिग्री प्राप्त होना चाहिए, और डाइटिशियन न्यूट्रिशन के बिना ऐसे किसी भी सप्लीमेंट और दवाओं का सेवन न करने दिया जाए। रतलाम जिले के नवयुवकों को ऐसे जहर से बचाया जाए।